सिंह जी सिरसा लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान ने वो संगत के रूबरू हो जी। बहुत ही मान ते सत्कार दे योग पंडाल दे विच मेरिया सत्कार योग भैणा ते बच्चिया किसान वीरों नौजवानों ते स्टेज ते बैठे लीडर साहबान सब नूं पहला फतेह अर्ज करदा बुलाओ गज वज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बेनती करनी चाहुंदा कि गल थोड़ी जी सानू समझ लैनी चाहिए है। जोधा सिंह महाराज पिंड तो जिहड़ा बच्चा पहला बोल के गया इहदे घरे बच्ची ने जन्म लिया 2 महीने हो गए ये घरे नहीं गया इत्थे बैठा और वो दस रहा सी कि महाराज की इन्नी कृपा है कि उस बच्ची नू किसे भी डॉक्टर दे कोले नहीं लजाना पिया ये गुरु की कृपा ते तुहाडे लोकां दीआं असीसां। उन्हें सिर्फ एक गल कही आ कि कोई तगड़ा प्रोग्राम दिओ उन्हें यह नहीं कहा कि आ प्रोग्राम दिओ। सो इस करके जिहड़ा कोई अपनी गल रह दे सकदा मतलब इत्थे स्टेज उत्ते मैनू भी कोई हक नहीं मैं बेशक 40 जथेबंदियां दे विच हाँ पर इस स्टेज तो मीटिंग चल रहा असी उत्थे राय देने उत्थे कोई फैसला यह नहीं कह सकते भी आ जरूरी है जरूरी नहीं कह सकते। वो फिर सारे ने विचार करके आ जिहड़े पहला मेरे तो पहला जगमोहन सिंह जी ने तुहानू दस्या फैसले दसे ने 15 तरीक का 17 का 19 का सारे जिहड़े उन्हां फैसले 26 तरीक का 23 तरीक का और उस तो बाद 29 तरीक न होले महले का जो प्रोग्राम है आनंदपुर साहब उत्थे भी वड्डी पद्धर दे उत्ते जिहड़ा वो प्रोग्राम चल रहा कि वो उत्थे एक संयुक्त किसान मोर्चे वालों रैली के रूप से उत्थे इकट्ठ किया जाए क्योंकि संगतां आप जांदियां। सो मैं इको बेनती करांगा कि उन्हें एक अपील की है कि स्टेज तो 26 तरीक न जो होया सानू वार वार जिक्र नहीं करना चाहिए वो जो भी किया वो सरकार ने एक प्री प्लैन किया सानू भुल जाना चाहिए किन्ने की किया सानू कोई ना लैन की लोड़ नहीं कुछ करने की लोड़ नहीं सानू अगे इकट्ठे होकर चलन की लोड़ है। साडा पिछला इतिहास है कि पिछले समय दे विच जदों के 12 मिसलां सन मुगलिया राज सी उस टाइम ते मिसलां जदों आपो अपने इलाकियां च विचरदियां सन तो एक दूसरे दे नाल उन्हां दे लड़ाई झगड़े भी हुंदे सी एक दूसरे दे इलाकियां ते उह कब्जे भी करदे सी पर जदों मुगलिया हकूमत नाल कोई भी उत्थे जंग दे मैदान दे विच सिंह लड़दे तो एक दूसरे के नाल इतों तक कि जिन्हों कई अकाल एक आदि मिसल दे आगू नूं अकाल तख्त तो पंथ चो छेकिया भी गया सी पर वह भी पंथ चो छेके हुए जिहड़ा सी मिसल दे आगू ने आके मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो भरावां दा साथ दिता। सो साडे विचों गल नहीं होनी चाहिए असी सारे इकट्ठे होइए रल के साडी लड़ाई दुश्मन दे नाल है केंद्र दे नाल है जिन्होंने खेती विरोधी कानून बनाए ने उन्हां दे खिलाफ असी लड़ाई लड़ रहे हैं। साडी आपसी कोई गिले शिकवे जे होणगे उह असी जदों पंजाब जावांगे उदों एक दूसरे नूं स्पष्टीकरण दे सकदे हां एक दूजे तों लै सकदे हां पर इत्थे सानूं इस स्टेज तों कुछ नहीं बोलना चाहीदा यही उहदे वल्लों एक अपील है ये समझण दी लोड़ है। मैं एक बेनती करनी है कि जिहड़े साडे किसान आगू बोलदे ने चाहे वह मैं आ जा होर है साडे विच्चों बहुत गिनती किसानी जमीनां दी लड़ाई की गल करदे आ कि जिहड़े किसान ये इत्थे संघर्ष कर रहे ने
दिल्ली के चार चपेरे धरने ला के बैठे ने, ये अपनिया जमीन बचाने लई बैठे ने। मैं एक बेनती करांगा कि कली जल लड़ाई जमीन की नहीं, ये सानू अपनिया हुण नस्लां बचाउण दी, ये साडी जिहड़ी आ ये लड़ाई नस्लां बचाउण वास्ते आ। और इहदे विच कल्ले किसानां दी लड़ाई नहीं, तुसीं ध्यान दिओ जरा, विचारण वाली गल है कि चार चपेरे धरनिआं ते और आ जिहड़े हुण जिस तरह मनजीत सिंह राय तुहानूं दस गए ने और तुसीं वी वेख रहे हो, अज अजनाले तो मैनू भी फोन आ रहे सी कि तुसीं वी इत्थे हुण जिहड़े तंबू ने उहनां 'च गर्मी लगदी है ते इत्थे कानिआं दीआं सिरकीआं इहो जिहीआं मतलब कि चीज़ां बांडियां चाहीदियां है कि शट बांडे चाहीदे आ कानिआं दे जिन्हां दे विच गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी के बचाव वास्ते रहना है। पर एक अफसोस है कि चार चपेरे धरनिआं दे केवल किसान ते साडे नाल संबंधित बीबियां ने, जिहड़े मजदूर वीर ने वह बहुत घट गिनती च ने, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हन, पर जिन्ने होने चाहिए आ उन्ने नहीं। उन्हां दे जितों भी किते गल चलती है तो उन्होंने मन च कई किस्म के शंके ने, ते कई मन चले आदमी ऐसे भी ने जड़े मजाक भी करते हैं कि जट हुण काबू आया, किसान हुण काबू आया, इन्हां दीआं जमीनां कुसल लगियां, साढ़े कोल ते पहले ही नहीं सी। मैं बेनती करा कि यह गल कलियां जमीनां बचाउण दी नहीं, जिहड़े जमीनां वाले ने उह तां कोई 20 साल 15 साल घट तो घट 10-10 साल तां उह जमीनां दे कब्जे देंदे भी ला देणगे, और उह अपने बच्चों लई हर तरह के उह रोटी कपड़े का प्रबंध कर लेंगे। पर जिहड़े साडे मजदूर वीर ने, मैं बेनती करांगा कि उहनां लोकां नूं जदों मजदूरी ना मिली और जिन्होंने सस्ता अनाज मिल रहा है, जेकर वो अनाज ना मिलिया तो फिर वो की करनगे। आज मेरा छत्तीसगढ़ फार्म है, मैं उत्थे जो भी जाना है पिंडा च वेखते हैं और मजदूर मजदूरी कर आते ने, पर उन्होंने लोगों को 1 रुपए किलो चावल मिलता है, 1 रुपए किलो चावल। जिस तरह के अपने इत्थे पंजाब हरियाणा 2 रुपए किलो कणक मिलती है। और मेरा सवाल है कि जेकर सरकारी मंडियां खत्म हो गई, सरकारी खरीद एजेंसियां FCI वर्गियां जा जिन्हां भी होर एजेंसियां ने, इन्होंने अनाज ना खरीदिया और सरकार ने यह अनाज खरीद के स्टोर ना किया, तो फिर कि गरीब लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा? ये गल उन्होंने नाल करने की लोड़ है। और मैं बेनती करा कि जेकर यह जो सारा अनाज अबानिया अडानिया कारपोरेट घराणिया ने खरीद के स्टोर कर लिया, जिस तरह इन्होंने प्याज खरीद के स्टोर कर ले, वो आज किस पा ने ये फ्रूट जिस तरह के सेब जा होर सारिया चीज़ा खरीद के इन्होंने जदों स्टोर उत्थे स्टॉक कर लिया, उस तो बाद कि ये गरीबों को सस्ते रेट देंगे? क्योंकि साढ़े सामने एक मिसाल है कि आज मोबाइल कंपनियां जड़िया जिन्हिया भी ने कि वह गरीबों को कोई फ्री में मोबाइल कनेक्शन दे दिया ने, कि वह सैट दे दिया ने सस्ते तो सस्ता ही सही। भाई भाई तुसी गरीब लोग जे तुसी मोबाइल सैट नहीं खरीद सकते, तुसी ये जड़ी इत पैसे पैने ने
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅਜ ਤੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਮੈਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਤਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਐਲਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਰੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾ ਬਲਾਉ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।